बाबा साहब अमर रहे। शिक्षा का मूल, शिक्षा का सहारा लिया, जिसके कि मतलब कि हर संविधान हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इन्होंने भारत का संविधान लागू किया। और इसी के रूप में कि शिक्षा अगर सभी वर्ग को दिया जाए तो हमारे वर्ग में ऊंच नीच भात भेदभाव सब मिट जाएंगे। इसीलिए शिक्षा को मेन रख के कि सभी वर्ग को बराबर शिक्षा मिले, इससे जातिवाद कम होगा और हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। इसी भावना के साथ इन्होंने अपने पूरे देश में यह आह्वान दिया और हम लोग आज सभी लोग इसी को मानते हुए और पूरे देश में इनका जन्मोत्सव बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज शाहगंज के अंबेडकर नगर वार्ड में हम लोग अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा के को माल्यार्पण करके आज उनके जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन को समरसता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। समरसता, बाबा साहब ने संविधान की जब रचना की थी तो उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान जो बनाया गया है, जब तक भारत में समानता ना आ जाए तब तक इस संविधान की जो भावना है उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह निश्चय किया कि भारत में हमारे समाज में तमाम तरह की बुराइयां हैं, छुआछूत, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए पार्टी ने यह निर्णय लिया कि आज के दिन को समरसता समाज को बराबर लाने का काम करेंगे, समाज में के मुख्य धारा में, विकास की धारा में लाने का काम करेंगे। इसी का संदेश देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं को यह कह करके लगाया है कि आप समाज के उन लोगों के बीच में जाइए जिन्होंने, जिनको यह एहसास होता है कि हम समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनके बीच में जाकर सहभोज करिए, उनके साथ बैठिए, उनके दुख दर्द को बांटिए। जिंदाबाद।
हाँ दूर दराज से आए हुए सभी साथियों को हम हमारे भीम सेना कहते हैं क्या बाबा साहब मिटा ना दूरा बाबा साहब मिटा ना दूरा हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी जयंती के शुभ अवसर पर आए हुए सभी प्रतिनिधि को लोकधाय कुमार प्रजापति जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शाहगंज विधानसभा प्रभारी और सांसद प्रतिनिधि इस शाहगंज विधानसभा होने के नाते इस पूरे शाहगंज विधानसभा में कार्यक्रम तो बाबा साहब जयंती का पूरे देश में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर हर बूथ पर ये कार्यक्रम जो है मनाने को कहा गया है और प्रयास है कि हर बूथ पे हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ा गांव मंडल का मंडल अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के निर्देशों के अनुसार हर बूथ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का कार्यक्रम चल रहा है और उसी कार्यक्रम के तहत गोड़िला ग्राम सभा में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ